आज हम बात करने जा रहे हैं, जियो ने एक या दो दिन पहले ही अनाउंसमेंट की है कि रिपब्लिक डे के लिए वो कुछ स्पेशल ऑफर देने जा रहे हैं, और उन्हीं स्पेशल ऑफर्स के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह के ऑफर हैं, कितना बेनिफिट जो है जियो यूजर्स को दे रहा है, और साथ ही में क्या इसका बेनिफिट रहेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या ये प्लान्स हैं। फिलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फ़िलहाल जियो की वेबसाइट के ऊपर हूं, और यहां पे इन्होंने जो प्लान्स आप देख पा रहे होंगे, सारे प्लान्स यहां मेरे सामने हैं कि मतलब क्या प्राइस है और किस प्राइस में कितना डेटा जो है जियो हमें दे रहा है। अब बात करते हैं कि एक बार जो इन्होंने प्लान जो बोल रहे हैं, जो देने वाले हैं, उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। जो प्लान ये देने वाले हैं रिपब्लिक डे के लिए, वो है 98 रुपीज़ में जो है 2 GB डेटा मिलेगा 28 दिनों के लिए। और पहले अगर इसको कंपेयर करें, पहले 98 रुपीज़ में जो है 2.1 GB डेटा था, जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 14 डेज के लिए थी। अब उतना ही डेटा आपको जो है 28 दिन की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। एक्चुअली ये बोल ये रहे हैं कि 50 रुपीज़ लोअर प्राइस एंड 50% मोर बेनिफिट। आपको बता दें कि यहाँ पे फिलहाल जो करंटली जो ऑफर चल रहे हैं, उसमें कोई भी 50% लोअर प्राइस नहीं मिलेगा। यहाँ पे जियो बात कर रहा है, जो दिवाली के बाद इन्होंने जो प्राइस इंक्रीज़ किए थे प्लान्स के अंदर, 50-50 रुपये इन्होंने इंक्रीज़ किए थे, जो कि इन्होंने क्रिसमस के अराउंड जो है फिर से डिक्रीज़ कर दिए थे क्रिसमस के बाद। तो ये उसी से कंपेयर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिलहाल फॉर एग्जांपल 400 रुपीज़ का प्लान है तो ये 350 में देगा। 450 का जो प्लान फिलहाल वेबसाइट पे है वो उतने में ही रहेगा, लेकिन ये फिलहाल यहाँ कंपेयर कर रहे हैं दिवाली के बाद जो इन्होंने प्राइस इंक्रीज किया था, उस प्राइस के बाद जो इन्होंने क्रिसमस के ऊपर जो है फिर से वो 50 रुपीज़ जो है डिक्रीज कर दिए थे। और अब रिपब्लिक डेज के ऊपर जो देने वाले हैं वो सिर्फ डेटा में बेनिफिट मिलेगा, ना कि आपको उसकी वैल्यू में, प्राइस में कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो है डेटा में आपको बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी प्लान में आपको 1 GB मिलता था तो वहाँ पे 1.5 GB मिलेगा, और जहाँ पे 1.5 GB था वहाँ 2 GB डेटा जो है मिलेगा। तो चलिए बार देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। इसमें 98 रुपये वाला जो है पहले उसमें था सिर्फ 14 डेज की वैलिडिटी थी, यहाँ पे इन्होंने 28 डे दे दिया है। और यहाँ पे आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं डेटा के अंदर कि 199 का प्लान था पहले, अभी 149 में दे रहे हैं, प्लस में जो डेटा है वो 1.5 GB डेटा रहेगा पर डे। वैलिडिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 डेज के लिए है। दूसरा प्लान जो है 400 का था, ये दिवाली के बाद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और क्रिसमस पे इन्होंने फिर 349 का वापस कर दिया था। तो हमें पहले मिलता था 70 GB, अब 1.5 GB जो है मिलेगा। तो सारे प्लान्स जो है ये यहाँ पे इन्होंने दिखा रखे हैं, सारे प्लान्स की वैलिडिटी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको ये रिचार्ज सिर्फ 26 को ही करवाने हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लान जो है अभी से स्टार्ट हो गया। ये प्लान्स जो स्टार्ट होंगे 26 को ही स्टार्ट होंगे, और आपको करना ये है कि मे बी हो सकता है ये प्लान सिर्फ रिपब्लिक डे के लिए ही हो, तो शायद कुछ दिन बाद ये फिर से इसको हटा दें। तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 26 को या हो सकता है 27 को ही कराने की कोशिश करें, ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि जियो जो है हर फेस्टिवल के ऊपर जो है प्राइस को एक बार डिक्रीज कर देता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर से उसको उसी रेट में जो है इंक्रीज कर देता है। उन्होंने जो पहले इन्होंने ऑफर निकाला था कि आपको जो है 100% कैशबैक मिलेगा, तो वो ये था कि 50-50 रुपी जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिचार्ज करवाएंगे तो वो आपको मिलता रहेगा। तो वो बेनिफिट अभी भी आपको यहाँ भी आपको मिलेगा, वो बेनिफिट सेम बेनिफिट आपको यहाँ भी मिलेगा। तो बस करवाना आपको यही है, 26 का वेट कीजिए और इसको रिचार्ज करवाइए और इसका बेनिफिट लीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर आपकी किसी फ्रेंड के पास जियो का कनेक्शन है तो। धन्यवाद।